मेहरा ने मनाया बेटे काविश का बर्थडे। करण हुए काविश से जुदा। वह करण मेहरा और निशा रावल के रिश्ते में आई थी दरार, जहां निशा ने करण पर लगाए थे डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप। वहीं इनका रिश्ता टूटता हुआ भी आया था नजर। वहीं उनके बेटे काविश रह रहे हैं अब निशा के साथ। वह कल था काविश का बर्थडे, जहां अपनी मम्मी निशा संग काविश ने धूमधाम से मनाया अपना बर्थडे और की जमकर पार्टी भी। वहीं काविश से दूर करण ने भी किया काविश को बर्थडे विश और उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए आए नजर, जहां करण ने काविश के लिए की केक कटिंग। इसी के साथ ही पूरे परिवार के साथ गाया हैप्पी बर्थडे भी। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए करण लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे माय लिटिल काविश, डैडी लव्स यू एंड मिसेस यू लाइक क्रेजी, बट द फाइट इज ऑन एंड ही विल नॉट गिव अप ऑन यू, हैंग ऑन लिटिल लॉन्गर एंड नथिंग कैन कीप यू अवे फ्रॉम मी, प्लीज शावर योर ब्लेसिंग्स ऑन माय मिनियन कोवी एंड कग्स। वहीं काविश को बर्थडे विश करते हुए निशा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक प्यार भरे वीडियो को किया था शेयर। वह काविश से दूर होने के बावजूद करण कर रहे हैं उनके बर्थडे को सेलिब्रेट। इसी के साथ अपने एक इंटरव्यू में करण ने ये भी कहा था कि ये दूसरी बार था जहां उन्होंने काविश के बर्थडे को मिस किया। आई मिस माई चाइल्ड एज अ फादर, इट्स डिफिकल्ट व्हेन यू आर नो लॉन्गर एबल टू टॉक, इट्स डिफिकल्ट बट आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द वर्स्ट, व्हेनेवर वी मीट आई विल सी, बट माई प्रायोरिटी इज टू गेट माई पेरेंट्स ब्रदर आउट ऑफ इट, दे हैव गॉट एंटीसिपेटरी बेल्स, the high court has put honesty on it, it was a win despite such a big allegation. Well, Karan to Kavish se hai, kafi zyada close. Well, ab dekhna ye hoga kya Karan aur Nisha ka rishta jo hai wo badalta hua aayega nazar. Well, aapka kya hai kehna is par hame comment section mein zarur bataye. Television ke latest news aur gossip ke liye hamare channel ko subscribe zarur kare.